गाइस एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस आज हम लोग खेल रहे हैं दोबारा से GTA 5। और गाइस GTA 5 में आप लोग सोच रहे होंगे आज फ्रॉस्टी भाई आप क्या करने वाले हो, ऐसा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार एपिसोड हम लोग लेकर के आए हैं। मतलब पैसे उड़ाएंगे गाइस आज जी भर के, क्योंकि गाइस हमारे जेबों में अभी पैसे फुल भरे हुए चौप को हरा हरा करके। फ्रॉस्टी भाई ऐसा मत बोलो यार, मैंने बहुत मेहनत की लेकिन मैं नहीं जीता, आप जीत गए भाई। आपके पास आज यार घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है भाई, लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए चिकन लेग पीस है फ्रॉस्टी भाई। अरे दोस्त रुक जा भाई, रिलैक्स। सो गाइस आज हम लोग आए हैं इस एक्चुअली कौन सी गाड़ी है, हाँ ये वाली। तो ये वाली यार सबसे महंगी गाड़ी है जो इस अपडेट में आई है जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि इसका दाम है $2.8 million और इसका नाम है ज़ेनो। ठीक है, ज़ेनो इसका नाम है गाइस, काफी जबरदस्त कार है। और इसको करते हैं अपन लोग फटाफट से ऑर्डर और मैं इसको मंगवाता हूँ गाइस कैसीनो के गैराज में। गाइस कैसीनो गैराज में गए हुए काफी टाइम हो चुका है, तो अपन लोग इसको मंगवाते हैं कैसीनो पेंट हाउस में। एंड या गाइस ऑर्डर कर दिया है हम लोगों ने और भाई ये गाड़ी थोड़ी ही देर में डिलीवर हो जाएगी। तो फटाफट से गाइस चलते हैं और जाकर के उस गाड़ी को करते हैं चेकआउट। ऑलराइट एवरीबॉडी, सो फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने गैराज में और आप लोग देख सकते हो गाइस यहाँ पर एक्चुअली मेरे को एक आइडिया है यार, अपन लोग फ्रैंकलिन की गाड़ी ले जाते हैं, क्योंकि गाइस ये फ्रैंकलिन भाई इतनी मस्त मस्त गाड़ियां लेके रखा है। एक गाड़ी मैं ले जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद लौटा के रख देंगे भाई, पता भी नहीं चलेगा उसको। फ्रॉस्टी भाई वो बहुत गाली देगा भाई, मेरे को भी मारेगा वो। अरे टेंशन मत ले भाई, मारेगा क्यों, तेरे को तेरा तो पहला मालिक था ना वो। फ्रॉस्टी भाई ठीक है बात तो बोलते हो, चलो कोई बात नहीं भाई, आप ले जाओ, मैं संभाल लूंगा उसको। चलो गाइस ये हुई ना, अरे 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 भाई ठोक देता अभी गाड़ी में यार। लॉस सैंटोस वालों भाई आराम से चलाओ, बहुत बड़े माफिया की गाड़ी ले जा रहा हूँ। उसने पूरे का पूरा लॉस सैंटोस को हिला दिया था अकेले भाई। मतलब सोच रहे हो गाइस जब यहाँ पर माइकल और फ्रैंकलिन और ट्रेवर तीनों मिल करके लॉस सैंटोस में चोरियां करते थे तो पुलिस वालों की हिम्मत भी नहीं होती थी, है ना चौप। फ्रॉस्टी भाई वो लोग तो यार बहुत पावरफुल आदमी थे भाई, पता नहीं आप इतना पावरफुल बन भी पाओगे कि नहीं। अरे दोस्त बनेंगे भाई बनेंगे, तू क्यों टेंशन ले रहा है। ऑलराइट गाइस अभी फ्रैंकलिन का फोन आ रहा है लेकिन एक्चुअली मैं वीडियो में हूँ, तो दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग कि अभी अपन लोग नहीं उठाएंगे। और भाई माफ करना मेरे को, लेकिन अभी के लिए अपन लोग को जाना है डायमंड कैसीनो। और डायमंड कैसीनो एक्चुअली पीछे है ना, अरे यार मैं आगे कहाँ आ गया भाई, यही प्रॉब्लम है मेरे साथ गाइस, मैं बार बार भूल जाता हूँ छोटी मोटी चीजों को। फ्रॉस्टी भाई कहीं वो गाड़ी के लिए तो कॉल नहीं कर रहा, आपको मारेगा भाई, कॉल उठा लो उसकी। अरे नहीं दोस्त गाड़ी के लिए कोई कॉल करेगा, हो सकता है गाइस गाड़ी के लिए कॉल कर रहा हूँ। वेल भाई सब चौप तेरे ऊपर, मैं तेरा नाम लगा दूंगा गाइस, मैं बोलूंगा ना कि भाई इसने चुराया, मेरे को थोड़ी पता है दोस्त, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। फ्रॉस्टी भाई वाह भाई दोस्त को फंसवा दिया आपने, बहुत बढ़िया, मैं नहीं कहूंगा आपके साथ, मैं जा रहा हूँ बाय भाई। अरे अरे रुक जा भाई रुक जा, टेंशन क्यों लेता है, चल ना अपन लोग नई गाड़ी चेकआउट करने वाले। भाई कैसे चला रहे हो, नशे वशे कर लिए क्या लोगों ने। ऑलराइट लेट्स गो, यहाँ पर मारना है हमें एक लेफ्ट टर्न। अरे मारने दो यार, तुम तो कैसे गाड़ी बढ़ा रहे हो, रेड लाइट पे भी यार ये लोग गाड़ी आगे बढ़ा देते हैं। फ्रॉस्टी भाई उसने रेड लाइट पर नहीं, आपने रेड लाइट पर गाड़ी आगे बढ़ाया, पहले रेड लाइट इंडिकेटर तो देख लो भाई, फालतू का उसको डांट दिया आपने, बेचारा जाके घर में बहुत रोएगा। अरे रोएगा या हंसेगा मुझे उससे क्या लेना देना है भाई, तू तो ऐसे सबके बारे में डिटेलिंग देता है जैसे लगता है तू पर्सनली उन लोग पे यार नजर रखता है। फ्रॉस्टी भाई इस लॉस सैंटोस में ज्यादातर लोगों पे मेरी हमेशा नजर रहती है, आप पे भी रहती है भाई, इसलिए आप मेरे को कभी भी टपकाने का सोचना मत, क्योंकि मैं आपके टपकाने के पहले आपको टपका दूंगा। अरे भाई 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 तुमने क्या बोला है दोस्त। ऑलराइट टू गाइस अभी के लिए चौप की धमकी से बचते हुए हम लोग यहाँ पर गाड़ी को करते हैं पार्क। एंड ये मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया जगह लग रही है गाइस, मतलब एकदम सनसेट हो रहा है, यहीं पर अपन लोग फ्रैंकलिन की कार को कर देते हैं पार्क और अपन लोग चलते हैं अंदर। फ्रॉस्टी भाई गाड़ी तो आपने बहुत बढ़िया से पार्क किया, लगता है फ्रैंकलिन तो बहुत डरते हो भाई आप। अरे ऑफ कोर्स डरता हूं भाई, एक सेकंड मेरी गाड़ी आई कि नहीं आई, मैं बहुत कंफ्यूज हूं। फ्रॉस्टी भाई मैं तो बोलता हूं गाड़ी अंदर लेके चलते हो, इधर चोरी हो जाएगी भाई। हां हां सही बोला, अरे मैं भूल ही गया था गाइस, लिटरली आई एम नॉट इवन जोकिंग, लाइक लीजिट यहां पे ये प्रॉब्लम है, आप अपनी गाड़ी छोड़ के चल जाओ, कोई आके चुरा के चल जाता है भाई। और कंसीडरिंग कि ये गाड़ी मेरी नहीं है, अगर इसको कुछ भी हुआ तो फ्रैंकलिन तो छोड़ेगा नहीं। तो गाइस एक काम करते हैं, इसको यहां लगा देते हैं एंड इसको अंदर ले जा सकते हो क्या। हां इसको अंदर नहीं ले जा सकता हूं, तो गाइस इसको फ्रैंकलिन यहां पर से ले जाएगा या फिर उसका आदमी ले जाएगा, तो इतना अमीर है भाई, उसके आदमी ही बहुत सारे इस दुनिया में। अपन लोग चलते हैं अंदर और लेट्स गो। तो गाइस हम लोग चलते हैं अपने पेंट हाउस गैराज पे, समझ रहे हो, पेंट हाउस, इसलिए मैंने ऐसा बोला क्योंकि अमीर लोग इसी तरह बात करते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है मेरा, यू नो मेरा मुंह भाई टेढ़ा हो गया था 2 मिनट के लिए। बट फाइनली वी हैव एंटर्ड इनटू आवर अमेजिंग डैशिंग एकदम जबरदस्त गैराज। और सच बोलूं तो इस गैराज में पहली बार आया हूं, आई हैव नेवर बीन हियर बिफोर। और एक्चुअली इसमें बहुत जगह है गाड़ी रखने के लिए यार, भाई एक एक स्लॉट इतना बड़ा बड़ा है। ओके एटलीस्ट मेरे को पता चल चुका है क्या करना है। और ये रही गाइस हमारी नई वाली गाड़ी। तो गाइस अभी यार सनसेट हो रहा है, पूरा गोल्डन आवर चल रहा है अभी GTA 5 के अंदर, एंड दिस इज द परफेक्ट टाइम टू गो एंड अपग्रेड दिस कार। तो गाइस अभी के लिए हम लोग चलने वाले हैं यहां पर लॉस सैंटोस कस्टम्स में। और गाइस इसमें अपन लोग चेकआउट करने वाले हैं जो नए नए अपडेट्स आए हैं इस गाड़ी के अंदर, अपन लोग इसको एक नया कलर देने वाले हैं, इसको एकदम धासु धाकर मजेदार जबरदस्त बनाने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कर दीजिएगा कि आप उस लाल वाले बटन को दबा दे और तो और उसके बगल में जो बेल आइकन है गाइस उसको क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना। एंड
हाँ गाइज, अगर आपको गाड़ी और हमारी कस्टमाइजेशन पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना गाइज। मैं देख रहा हूँ आप लोग लाइक गोल कम्प्लीट नहीं करते हो, वाई ब्रदर वाई, मतलब एक लाइक बटन तो दबाना है यार, प्लीज दबा दो गाइज, हमारा दिन यहाँ पर बहुत अच्छा हो जाएगा। अरे ठुक गया यार मैं भाई, बहुत गलत हुआ है मेरे साथ, लेकिन कोई बात नहीं गाइज, गाड़ी वैसे भी रिपेयर होने जा ही रही है तो अपन लोग को उसके बारे में सोचना नहीं है यहाँ पे, हमें बस गाड़ी को तेजी से भगाना है और ले चलना है लॉस एंटोस कस्टम्स। गाइज यहाँ पर मैं लूंगा एक जबरदस्त शॉर्टकट, अरे ठोक दिया भाई दोबारा। ऑलराइट गाइज, डोंट वरी, एकदम लॉस एंटोस कस्टम्स बगल में ही है, तो फटाफट से लेके चलते हैं गाड़ी को अंदर। एंड नाउ इट्स टाइम टू अपग्रेड दिस बैड बॉय और बैड बॉय इसीलिए गाइज क्योंकि ये जाती है बहुत ही ज्यादा तेज। ओके तो गाइज गाड़ी का नाम है ओवर फ्लड ज़ेनो सुपर, सुपर से आपको पता चल चुका होगा ये है सुपर से भी ऊपर, यानी कि डुपर ऊपर। ओके सो लेट्स गो, सबसे पहले हम लोग करेंगे आर्मर को 100% अपग्रेड, और एक्चुअली यहाँ पे ब्रेक्स को करने वाला हूँ मैं। अरे ये क्या खरीद लिया मैंने, अरे भाई ये क्या हो रहा है कीबोर्ड को, भाई साहब बहुत तेजी से नहीं चल रहा है। ऑलराइट गाइस हम लोग मैक्स ब्रेक्स लगाने वाले हैं, उसके बाद बम्पर्स में हम लोग लगाएंगे यहाँ पर। ओके सो बम्पर इज गोना बी रियली रियली इंपॉर्टेंट, तो फ्रंट बम्पर है, तो फ्रंट बम्पर में आप लोग देख सकते हो काफी सारे यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं हम लोगों को। सच बोलूं तो ये काफी मस्त लग रहा है, लेकिन थोड़ा आगे देखते, थोड़ा महंगा देखते गाइस। जीटे वालों का लॉजिक होता है कि जो सबसे महंगा है वो प्रोबेबली सबसे अच्छा होता है, तो अपन लोग ये सेकेंडरी सुपर कैनेट किट खरीदते हैं, ठीक है, और चलते हैं आगे। और यहाँ पर गाइस हम लोगों को देखना है जो रियर बम्पर्स है उनको, तो मैं यहाँ पे सेकेंडरी जीटी किट लेने वाला हूँ क्योंकि दिस जस्ट लुक्स अमेजिंग गाइस, ट्रस्ट मी, इन चीजों को लगाने के बाद हमारी गाड़ी हवा से भी तेज जाएगी। और अभी अभी हम लोगों ने इंस्टॉल किया है इंजन लेवल 4, नाउ इट्स टाइम फॉर एग्जॉस्ट, और एग्जॉस्ट तो गाइस आपको पता है सबसे जबरदस्त धाकर अमेजिंग सुपर डुपर लगाने वाले हैं हम लोग, और वो होंगे हमारे टाइटेनियम एग्जॉस्ट। सच बताओ तो एल्यूमिनियम ज्यादा बेटर लग रहे हैं, तो एल्यूमिनियम लगा लेते हैं। और अब टाइम है गाइस यहाँ पर एक्चुअली नेक्स्ट क्या है लाइन में, एक्सप्लोसिव्स। भाई एक्सप्लोसिव्स तो यार बहुत डेंजरस लग रहे दिखते, नहीं 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 ये नहीं लगाना भाई, गाड़ी फट टूट गई गलती से, प्रॉब्लम हो जाए, बहुत महंगी गाड़ी है, इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा मेरे को। गाइस तो हुड है यहाँ पे, कार्बन फाइबर लुक्स सो अमेजिंग यार, कितना बढ़िया लग रहा है ना गाइस, लेकिन पता नहीं यार, आई डोंट नो, मैं कभी कार्बन फाइबर चूज नहीं करता हूँ, लेकिन गाइस लोग बोलते हैं यू नो जो रियल लाइफ में गाड़ियां लेते हो कार्बन फाइबर की लिया करो, क्योंकि जो एक्सपोज्ड कार्बन फाइबर है वो इतना ज्यादा अच्छा लगता है, ऊपर से स्टील से यार 8 times ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और तो और लाइटर भी है 3 to 4 times, पता नहीं मेरे को एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक्स नहीं पता है, बट या गाइस, अरे शिट मैंने थोड़ा सस्ता वाला ले लिया, ओ माय गॉड ये क्या है भाई, चलो कोई बात नहीं थोड़ा महंगा वाला लेते हैं। नाउ इट्स टाइम टू गो टू द नेक्स्ट अपग्रेड, तो गाइस अब हम लोग के पास यहाँ पर हेडलाइट्स है, और आपको तो पता ही गाइस हमारे लिए सबसे बेस्ट है ज़ीनॉन हेडलाइट्स। और गाइस यहाँ पर अभी हम लोग चेकआउट करने वाले हैं जो गाड़ी के नीचे में लाइट्स होंगी वो कौन सी लगाएंगे अपन लोग, और प्रोबेबली इट्स गोना बी ब्लैक लाइट, क्योंकि ब्लैक लाइट गाइस ब्लैक कलर की लाइट होती है, यानी अंधेरे में आपको ये गाड़ी को एकदम कूल लुक देगी और सबके होश उड़ जाएंगे। और गाइस लिवरी में अपन लोग चूज करने वाले हैं रेड पिन स्ट्राइप, बस एक्चुअली चूज नहीं, अभी तक मेरे को सबसे ज्यादा बढ़िया वही लगी है, तो मैं बाकी लिवरीज को देख रहा हूँ बट नथिंग रियली लुक्स माय स्टाइल गाइस, सो आई गेस वी गोना गो विद द रेड पिन स्ट्राइप। और चॉप तू बता तेरे को कैसी लगी है? फर्स्ट ऑफ ऑल सच बोलूं तो बहुत मजेदार लग रही है भाई, गाड़ी को बहुत फ्यूचरिस्टिक लुक ले रही है, लेकिन अगर आप गाड़ी को रेड कलर में करवाओगे तब भाई। ओके 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 तो गाइस अभी अपन लोग को मिरर अपग्रेड करना है, और यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है भाई मेरे को, लाइक मैं सोच रहा हूँ कार्बन मिरर लगाऊ प्राइमरी मिरर लगाऊ, प्राइमरी जगह से हटाओ यार। ऑलराइट लेट्स गो, तो गाइस अब टाइम है यहाँ पर नंबर प्लेट की, और गाइस सच बोलूं तो नंबर प्लेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, एक्चुअली नहीं इट्स द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चलो आगे बढ़ते हैं। पता नहीं मोस्ट क्यों बोला, ओ भाई ये कौन कलर है भाई, ओ माय गॉड गाइस लुक एट दिस ग्रेफाइट, इतना ऑसम लग रहा है, मतलब कार्बन फाइबर जो हम लोगों ने आगे में लगाया था जस्ट ब्लेंड्स इन यार। और सच बोलूं तो गाइस इतना अमेजिंग लुक मिल रहा है ना गाड़ी को, एकदम सुपर डुपर अमेजिंग लग रही है हमारी गाड़ी, तो मेरे को लगता है यार मैं इसी के साथ जाने वाला हूँ गाइस। आई मीन लुक एट दिस कार, कैसे आपको मन नहीं कर रहा है भाई इसको लगाने का। तो गाइस हम लोग ग्रेफाइट के साथ जाने वाले हैं, और अब गाइस हमारे पास ज्यादा चीजें नहीं बची है, जैसे कि सेकेंडरी कलर बचा है मेरे पास, तो मैं इसको यहाँ पर टोरिनो रेड लगाने वाला हूँ मैं सोच रहा हूँ, और एक्चुअली ग्रीन भी काफी अच्छा लग रहा है यार। और लेट्स गो, टोरिनो रेड कहाँ पर हो, ग्रीन तो यार यहाँ पर लॉक पड़ा है गाइस, नहीं तो मैं ग्रीन चूज करता, और रेड जो है गाइस वो पूरा का पूरा एक ब्लेंड देगा, जिस ब्लेंड की हम लोगों को बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो गाइस देखते हैं कहाँ पर है मेरा टोरिनो रेड, हाँ ये रहा भाई, अच्छा लग रहा है ना ये देखने में, आई होप कि इसका रेड मैचिंग हो भाई लिवरी वाले रेड से, जो लिवरी वाला रेड है वो थोड़ा ज्यादा ब्राइट है और ये वाला रेड यार थोड़ा कम ब्राइट है, बट इट डजंट मैटर गाइस हम लोग इसी के साथ जाने वाले हैं। और अब टाइम है यहाँ पर ट्रिम कलर का, हाँ ट्रिम कलर तो मैं मिस आउट कर गया, चलो इसको भी गाइस हम लोग फटाफट से यहाँ पर टोरिनो रेड ले लेते हैं, क्योंकि हर चीज जब हम लोग लगा रहे तो सेकेंडरी और जो एक्सेंट कलर है गाइस वो हम लोग यहाँ पर रेड चूज करने वाले, गाड़ी को एकदम मैक्लेरेन वाला लुक मिलेगा। और भाई ये देखो हुड में भी अपन लोग कार्बन फाइबर लगा सकते हैं, ओ भाई
यू जस्ट नो गाइज, यू जस्ट नो कि हम लोग क्या चूज करने वाले हैं। ऑब्वियसली कार्बन इनसेट रूफ ब्रो, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? हम लोग इतना कार्बन फाइबर डालने वाले इस गाड़ी के अंदर, हवा से बातें करेगी ये। और हम लोग यहाँ पर गाइज अपने स्कर्ट्स को सेकेंडरी रखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो रेड कलर का एक्सेंट है वो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। ऑलराइट गाइज, नाउ इट्स टाइम फॉर स्पॉयलर्स। और स्पॉयलर्स में आप लोग देख सकते हो कार्बन जीटी विंग है और सेकेंडरी जीटी विंग है। और ये क्या है, कार्बन डेविल विंग? भाई ये काफी कूल है यार, मतलब पीछे से काफी मस्त लग रहा है। लेकिन गाइज हम लोग सबसे बेस्ट स्पॉयलर लेंगे जो की है सेकेंडरी जीटी विंग। तो इसको फटाफट से खरीद लेते हैं। एंड कॉम्पिटिशन सस्पेंशन, क्योंकि सस्पेंशन बहुत जरूरी है भाई। गाड़ी जब तक यार जमीन नहीं चाट के चलेगी तब तक स्पीड कहां से मिलेगा, वो डाउन फोर्स, वो विंड फोर्स कहां से क्रिएट होगा गाइज। तो इसीलिए अभी हम लोग आ चुके हैं अपने टायर सेक्शन में। और सच बोलूं तो यार चौप, मेरे को टायर भाई ये वाले बहुत बढ़िया लग रहे हैं गाइज। जो कंपनी के साथ स्टॉक टायर्स आते हैं आपको उनको नहीं बदलवाना चाहिए क्योंकि वो एकदम एब्सोल्युटली फैंटास्टिक लगते हैं और एक यूनिक थीम के साथ आते हैं, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज मेक योर टायर्स बुलेट प्रूफ और उनको आपको यार बस स्मोक देना है। ऑलराइट, अब हम लोग के विंडोज बचे हैं। और गाइज आपको तो पता ही है हम लोग जाने वाले हैं लिमोजीन विंडोज के साथ, है ना चौप? फर्स्ट भाई आप तो यार पूरा अंधेरा करके घूमोगे भाई, कोई भी बाहर से नहीं देख पाएगा, वीआईपी आदमी बन गए आप तो। अरे दोस्त यही तो बात है हमारी जो है हमको बनाती नवाबी। चलो गाइज अंधेरे में तो गाड़ी क्या फैबुलस लग रही है। वैसे सच बताओ तो ब्लैक कलर है, सुबह में आपको देखने में उतना कुछ खास लगता भी नहीं। इसकी ब्यूटी जो है गाइज वो रात में ही पता चलती है। और लुक एट दैट सिक बर्न आउट ब्रो, ओ भाई गाड़ी का इंजन, इट जस्ट फील्स अप माय हार्ट भाई, इतना अमेजिंग कार है। लेट्स टेक इट फॉर अ क्विक ड्राइव और देखते हैं कि ये गाड़ी कितना ज्यादा तेज चल पाता है। अरे अरे कंट्रोल नहीं हो रहा भाई, द टॉर्क इन दिस थिंग इज इनसेन गाइज, इतना ज्यादा पावर है इसके अंदर। आई मीन इट फील्स लाइक ये गाड़ी मेरे से एकदम भीख मांग रही है कि मेरा एक्सीलरेटर जैम कर दो भाई। ओके गाइज अभी आप लोग देख सकते हो काफी तेजी से अपन लोग जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे ड्राइव केयरफुली करने की कोशिश करेंगे लेकिन ये लॉस सैंटोस की गलियां थोड़ी सी यू नो घनचक्कर टाइप की है तो कुछ भी कभी भी हो सकता है दोस्तों, मेरे को मत ब्लेम करना बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओ यहां पे कुछ लोग भी खड़े हैं, वी विल जस्ट इग्नोर देम। और अब टाइम है गाइस एकदम फुल स्पीड में ले जाने का। ओ भाई क्या निकल रही है ये, ओ माय गॉड डैम ब्रो, 2.8 मिलियन टोटली वर्थ इट। ऑलराइट गाइस, तो कैसी लगी आपको हमारी गाड़ी कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। अबे तेरी तो स्क्रैच लगा दी यार इस बंदे ने। चलो कोई बात नहीं गाइस, वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको यार ऐसे ही और डीएलसी अपडेट्स चाहिए तो इस गेम के ऊपर, क्योंकि काफी सारी चीजें और है जैसे एक नई बाइक भी आई है दोस्तों। बट ये गाइस दैट वाज गोना बी इट फॉर टुडेस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड दिस वन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड स्टे फ्रॉस्टी।